हाँ जी, अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप सर? क्या आज आप लोगों का लास्ट प्रैक्टिकल डे है आपको पता है? इसके बाद इंशाल्लाह मिड्स के बाद, जब तक हमारा सिलेबस कंप्लीट हो जाएगा, आप लोग मिड्स से फारिग हो जाओगे, फिर टाइम होगा हमारे पास, तो हम लोग वो फिर फाइनल तक जो है वही करेंगे उसके ऊपर। आज का टॉपिक भी बिल्कुल छोटा सा है, सिर्फ और सिर्फ लेक्चर्स का नंबर बढ़ाने के लिए। हम लोगों ने इतनी जल्दी सिलेबस कंप्लीट कर लिया, उसके लिए मैंने छोटे छोटे जो है ना उसका लेक्चर बना के बाकी प्रैक्टिकल करवाए इंशाल्लाह। तो लास्ट टाइम हम लोगों ने पढ़ा था टेनिस एल्बो, डेट मीन्स के हम लोगों ने एल्बो की एक साइड पढ़ी थी। एक साइड कौन सी थी? वो जो कि टेनिस एल्बो में इन्वॉल्व हो रही थी, लेटरल साइड, ठीक है। उसको क्या कह रहे थे हम लोग? लेटरल एपिकोंडिलाइटिस, ठीक है। जो हमारे पास एपिकोंडाइट है लेटरल साइड पे, उसके डैमेज होने के, उसके इंफ्लेमेशन होने के, या फिर उसके ओवर यूज की वजह से उसमें टीयर आने के चांसेस होते हैं, डैट विल लीड टूवर्ड्स द टेनिस एल्बो, जिसको लेटरल एपिकोंडिलाइटिस कहते थे। इसी तरह मैंने बताया था कि मीडियल साइड भी हमारी इन्वॉल्व होती है। मीडियल साइड की जो हमारे पास, जिसे कह लो कि मीडियल एपिकोंडिलाइटिस जो है, वो मीडियल साइड, उसको हम गोल्फर एल्बो कहते हैं, ठीक है। सिंपल वही चीज है जिस तरह हमने लेटरल साइड को इन्वॉल्व किया था, उसके अंदर क्या रेपिटेटिव मूवमेंट्स थी और किन के अंदर वो वाली मूवमेंट्स इन्वॉल्व हो रही थी वो हमने पढ़ा था। इसी तरह इसमें हम पढ़ लेंगे कि इसके अंदर कौन से, फिर उसके अंदर एक्सटेंसर मसल्स इन्वॉल्व हो रहे थे, जो एक्सटेंसर मसल्स लेटरल एपिकोंडाइल से अटैचमेंट थी उसकी, उनके डैमेज होने के चांस थे। अब इसके अंदर क्या होगा? उसके ऑपोजिट है, ठीक है। इसके अंदर फ्लेक्सर्स आ जाएंगे, ठीक है। उसके अंदर कौन सा था? एक्सटेंसर कार्पस ब्रेविस, ठीक है। फिर उसके बाद इसके अंदर कौन से होंगे? इसके अंदर आज पढ़ते हैं कि फ्लेक्सर मसल कौन सा इन्वॉल्व है और ये किन के अंदर ऐसी रेपिटेटिव मूवमेंट आती है जो कि मीडियल साइड को इन्वॉल्व करेगी। जल्दी से इसको कंप्लीट करते हैं, फिर प्रैक्टिकल की तरफ जाते हैं। मीडियल एपिकंडाइल देखो, हमारी इनर साइड होती है, उसकी जो भी इंजरीज, जो भी उसके अंदर प्रॉब्लम आ रही है, डैट विल लीड्स टूवर्ड्स द गोल्फर एल्बो। इसको गोल्फर एल्बो इसलिए कहते हैं क्योंकि जो गोल्फ प्लेयर्स होते हैं मोस्टली इनके अंदर ये होने के चांसेस ज्यादा होते हैं, बिकॉज इनके अंदर जो मूवमेंट होगी। गोल्फ किस तरह खेलते हैं आपने देखा ही होगा। एक होता है टेनिस, टेनिस का भी आपको पता है कि आपने यूं कर दिया उसको, और एक होता है गोल्फर, आपने देखो वो नीचे से यूं करके स्ट्रोक ऊपर की तरफ को उठाते हैं, ठीक है। अच्छा, गोल्फर एल्बोज और द मीडियल एपिकोंडिलाइटिस इज टेंडिनोसिस ऑफ द मीडियल एपिकोंडाइल ऑफ द एल्बो, ठीक है। ये तो आपको क्लियर हो गया कि जो लेटरल साइड है वो टेनिस और जो मीडियल साइड है वो, ठीक है। और ये है क्या? एपिकोंडिलाइटिस, ठीक है, इन्फ्लेमेशन है, ठीक है, और एपिकोंडाइल की एंड इन्फ्लेमेशन डेट विल लीड्स टूवर्ड्स द टेंडन पैथोलॉजी, और टेंडन पैथोलॉजी आहिस्ता आहिस्ता जो है वो टीयर की तरफ जाएगी। इट इज इन सम वे सिमिलर टू द टेनिस एल्बो। ये हमारे पास मसल है जो कि अटैच हो रहा है हमारे मीडियल एपिकोंडाइल पे। कौन सा मसल है वो अभी हम देखते हैं। द एंटीरियर फोरआर्म कंटेन्स सेवरल मसल्स दैट आर इन्वॉल्व्ड विद फ्लेक्सिंग द डिजिट्स ऑफ द हैंड एंड फ्लेक्सिंग द एंड प्रोनेटिंग द रिस्ट। अब इसके अंदर क्या आ रहा है? उसके अंदर सुपिनेशन आ रही थी, इन्वॉल्वमेंट हो रही थी, और एक्सटेंसर मसल्स इन्वॉल्व हो रहे थे जो कि हमारी रिस्ट को एक्सटेंड करवा रहे थे, ठीक है। इसके अंदर क्या है? जो हमारी इंटीरियर फोरआर्म है, यहाँ पे डिफरेंट मसल्स हैं और सारे हमारे फ्लेक्सर्स मसल, डॉर्सल साइड पे हमारे एक्सटेंसर्स होते हैं, हमारे इंटीरियर साइड पे सारे फ्लेक्सर्स मसल्स हैं, वही इन्वॉल्व होंगे। फ्लेक्सर मसल्स किसके अंदर? या तो वो फ्लेक्स हमारे डिजिट्स को फ्लेक्स कर रहे हैं, और दूसरा ये कि वो प्रोनेशन में काम, प्रोनेशन इज पाम, इसको कैसे डिफाइन करोगे? प्रोनेशन को वैसे डिफाइन करो। इफ आई आस्क अ क्वेश्चन इन वाइवा, व्हाट इज प्रोनेशन? ओके, ठीक है। सुपिनेशन, ठीक है, तो डिफाइन करना आना चाहिए। चीजें छोटी छोटी सी होती है, हमें लग रहा था प्रोनेशन है सुपिनेशन है, जब डिफाइन करो तो करना नहीं आ रहा होता। मिस ये प्रोनेशन है, ये सुपिनेशन है, बस इस तरह, ठीक है। तो हमारे पास इसके अंदर फ्लेक्सर्स और दूसरा प्रोनेशन के जितने भी मसल्स जो हम करवा रहे हैं, डैट विल इन्वॉल्व इन द गोल्फर एल्बो, जो मीडियल एपिकंडाइल के ऊपर अटैचमेंट है। एंड द टेंडन्स ऑफ दीज मसल कम टुगेदर इन कॉमन टेंडनस शीट विच ओरिजिनेट फ्रॉम द मीडियल एपिकंडाइल ऑफ द ह्यूमरस एट द एल्बो जॉइंट। डैट मीन्स की जो मसल हमारे फोरआर्म के हैं, इंटीरियर फोरआर्म के, दैट दीज ऑल आर फ्लेक्सर मसल्स, वो एक मसल इन्वॉल्व नहीं है, वो सारे मसल जो है वो एक टेंडन बना के, ठीक है, वो एक टेंडन शीट जो है उसके अंदर कवर्ड होके जो है एक जगह पर अटैचमेंट करेंगे, दैट इज मीडियल साइड ऑफ द एल्बो, ठीक है। तो इस वजह से जो है उसके अंदर फ्लेक्सर्स इन्वॉल्व होंगे सारे, क्योंकि सारे फ्लेक्सर्स मसल्स एक ही टेंडन के अंदर, टेंडन शीट के अंदर आके आपको मीडियल साइड पर अटैचमेंट देंगे।
In response to the minor injury or sometimes for no obvious reason at all, this point of insertion becomes inflamed. No movement, no repetitive movement, no cause, ठीक है, idiopathic cause, कोई भी किसी वजह से यहाँ small injury भी हो सकती है. कभी कभी होता है ना, आप लोगों ने देखा होगा, एल्बो कभी लग जाए ना तो बड़ा करंट लगता है, बहुत दर्द होती है. ठीक है, उस वक्त आपको बस कुछ उस वक्त दर्द हो गया और होता है कि भाई तो माइनर इंजरी कुछ नहीं, ठीक हो गया. लेकिन डेट वे ऑल्सो लीड्स टूवर्ड्स टेंडनाइटिस, जो कि इन्फ्लेमेशन हो सकती है. ठीक है, तो वो छोटी छोटी इंजरीज भी जो है उस टाइम आपको फील नहीं होती, बट डेट लीड्स टूवर्ड्स द मेजर इंजरी. व्हाट इज दिस, समझ आ रहा है? एपिकंडाइलिस तरफ आपको लग रहा होगा बोन जो है व्हाइट कलर की नजर आ रही है, लॉन्ग विद द पोस्टीरियर शैडोइंग. आपको यहाँ पे पता चल रहा है ये क्या है, ये मीडियल एपिकंडाइल है और उसके ऊपर जो मसल्स फिर आके आपको मैंने अल्ट्रासाउंड पे भी दिखाए थे कैसे वो टेंडन शीट बना के एंड देन दैट विल अटैच टू द बोन. ठीक है, तो इसीलिए ये वाली मीडियल साइड है. हमें ये थोड़ी पता है कि अब हम इस पिक्चर को देखें और ये मीडियल ना लिखा हो, तो हम यही कहेंगे ना कि कोई भी आइदर साइड हो सकती है, लेटरल भी और उसके भी. ठीक है, बोन के साथ अटैचमेंट है, टेंडन की किस तरह आके इन्वॉल्व हो रहा है. और ये टेंडन की अगर इन्फ्लेमेशन होती है, इसके अंदर हाइपोइक्विक एरियाज नजर आ रहे हैं, जस्ट लाइक एनएस एल्बो जिसके अंदर हमें हाइपोइक्विक एरियाज डिफरेंट नजर आ रहे थे, और दैट वी कैन से कि उसके अंदर इन्फ्लेमेशन स्टार्ट हो गई है. डॉपलर उसका डिफरेंट आएगा, उसके अलावा उसकी एक्जेनिसिटी डिफरेंट होगी. ठीक है, दिस कंडीशन इज कॉल्ड गोल्फर एल्बो बिकॉज इन मेकिंग अ गोल्फ स्विंग द टेंडन इज स्ट्रेस्ड, स्पेशली If a non-overlapping या baseball style grip is used. अब ये कौन सा गोल्फर कैसे खेलते हैं, जैसे स्ट्रोक ऐसे नीचे से ऊपर की तरफ को मारना होता है ना, इसके अंदर जो है ना ये फोरम है, मसल्स इन्वॉल्व होते हैं. ठीक है, तो आपने देखा होगा वो यूं स्ट्रोक ऊपर की तरफ जाती है, तो वो अगर आप खुद देखो तो ये वाले मूवमेंट में ज्यादा जोर ही आपका मीडियल साइड पे आ रहा है. ठीक है, मीडियल साइड पे जोर आ रहा है आपका, दैट मींस कि यही अगर रेपिटेटिव मूवमेंट है या इससे कोई भी इस तरह का कोई भी आपके कोई खेल है, कोई भी है. ठीक है, इसके अलावा या कोई भी ऐसा काम है जिसकी वजह से मीडियल साइड इन्वॉल्व हो रही है, उसके ऊपर स्ट्रेस आ रहा है. ठीक है, तो उसको हम कहेंगे गोल्फर एल्बो. ठीक है, वो इसलिए कि गोल्फर के अंदर इस तरह की होती है, आपको उससे अंदाजा हो जाएगा कि ये कौन सी पोजिशन है और कौन सी हम लोग इसके अंदर साइड इन्वॉल्व कर पा रहे हैं. Many people, however, who develop the condition have never handled a golf club. ठीक है, that means कि जरूरी नहीं है उनको, जिनके अंदर ये problem आई है उसको हम golfer कह रहे हैं, उन्होंने कभी जिंदगी में golf खेली ही ना हो. ठीक है, but medial side involve हो रही है उनकी, तो हम लोग कहेंगे मे बी कोई ऐसी इंजरी उनकी मीडियल साइड पे होगी, बट यू विल हैव टू रिपोर्ट दैट इन गोल्फर एल्बो. ठीक है, तो वो रिपोर्ट आप गोल्फर एल्बो ही करोगे, और वो बेशक आपको रिपोर्ट पढ़ के का, मैंने गोल्फ कभी खेली नहीं, आपने मुझे गोल्फर एल्बो लिख दिया है. ठीक है, तो This is the disease name जो कि medial side आपकी involved हो रही है. अच्छा, इसको कुछ और names भी दिए हुए हैं. ये जो blue color मैंने highlight की, ये तीन names हैं. If I ask what other names, तो आपको इतना बताओ कि ये जो इसको कह रहे हैं हम लोग golfer elbow, इसको pitcher's elbow, climber's elbow या little league elbow भी कहते हैं. ठीक है, अब इसमें क्या होता है, due to some tendon being stressed by throwing of the object such as baseball. बट दिस यूजेज इज मच लेस फ्रीक्वेंट. अब ये वही बात है कि जिस तरह आप गोल्फर अगर हम कोई भी नाम दे रहे हैं तो डिफरेंट वो कहकर ये तो मैं खेल ही नहीं रहा, तुम जो वाला नाम दिया हुआ. तो अदर नेम्स है पिचर्स एल्बो, तो आपको पता हो मीडियल साइड इन्वॉल्व हो रही है. क्लिम्बर्स एल्बो, मीडियल एपिकॉन्डिलाइटिस. लिटल लीग एल्बो, अगर ये मैं कोई भी इनमें से एक नाम दे के पूछ लेती हूँ कि इसके अंदर क्या चीज इन्वॉल्व हो रही है, तो आपको पता होगा ये गोल्फर एल्बो की बात हो रही है. ठीक है, ये डिफरेंट नेम्स है. Epicondylitis is much more common on the lateral side of the elbow rather than the medial side, जो कि हमने lateral में भी पढ़ा था, common side वो है. In most cases, its onset is gradual and symptoms often persist for weeks before patient seek care. अच्छा, in golfer's elbow, pain at the medial epicondyle is aggravated by resistive wrist flexion and pronation. हमने उसमें extension वाली position पढ़ी थी, extension के अंदर हमें pain cause कर रहा था lateral side, और इसके अंदर क्या है flexion, और वो क्या कर रहा है फ्लेक्शन एंड प्रोनेशन, जो कि मीडियल साइड के अंदर कोई पेन या कोई सिम्टम्स कॉज कर रहा है पेशेंट के अंदर, व्हिच इज यूज्ड टू एट डायग्नोसिस. ऑन द अदर हैंड, कैनस एल्बो इज इंडिकेटेड बाय द प्रेजेंस ऑफ लेटरल एपिकंडाइलर पेन प्रेसिपिटेटेड बाय द रेजिस्टिव रिस्ट एक्सटेंशन. व्हाट डज दैट मीन, कैनस एल्बो इज इंडिकेटेड बाय द प्रेजेंस ऑफ लेटरल एपिकंडाइलर पेन. ठीक है, प्रेसिपिटेटेड बाय द रेजिस्टिव रिस्ट एक्सटेंशन. ये हम लेटरल एल्बो की बात कर रहे हैं कि रिस्ट एक्सटेंशन के अंदर लेटर एपिकंडाइल इन्वॉल्व हो, सिर्फ इसको बता रहा है कि क्या कहते हैं, कौन सी
मूवमेंट की वजह से उसके अंदर इन्वॉल्व हो रहा था. सेम लाइक दैट इसके अंदर मीडियल एपिकंडाइल इन्वॉल्व हो रहा है. मीडियल साइड पे आप देख रहे हो कि सारे मसल्स, ये लेटरल साइड है, सॉरी ये कौन सी साइड है, पैर वाली साइड, पैरो इसने यू प्रोनेशन में रखा हुआ है कि सुपिनेशन में रखा हुआ है, इसने सुपिनेशन में रखा हुआ है. अब देखो अपना हाथ सुपिनेट करो और देखो लेटरल साइड कौन सी है और मीडियल साइड कौन सी है. ये थंब वाली साइड जो है वो लेटरल है और ये मीडियल साइड है, ठीक है. मुझे लगा उसका हाथ यूं है, उल्टा गया होगा, प्रोनेशन में है. तो हाथ को जरा गौर से देख लेना कि सुपिनेशन है या प्रोनेशन है, फिर मीडियल या लेटरल साइड आपको अंदाजा हो जाएगा. थंब वाली साइड इस पर, ठीक है, खुद अपने प्रोनेशन या सुपिनेशन करके देखना. सो मीडियल साइड इज इन्वॉल्व, तो मीडियल एपिकंडाइल यहाँ पे क्या है, सारे फ्लेक्सर्स मसल जिस तरह मैंने बताए थे एंटीरियर फोरआर्म के, एक टेंडन शीट के अंदर आके और एक ही अटैचमेंट दे रहे हैं ऑन द मीडियल साइड. ये हमारे पास बोन है एपिकंडाइल की, और ये ऊपर जो आपको लग रहा है दिस इज द नॉर्मल टेंडन जो कि व्हाइट, ये मतलब एक सेम एकोजेनेसिटी है, इसके अंदर कोई आपको हेट्रोजीनियस स्ट्रक्चर नजर नहीं आ रहा. एबनॉर्मल टेंडन के अंदर ये हाइपोइक्विक एरिया या एनिक्विक एरिया, ज्यादातर ये हाइपोइक्विक ही होता है. व्हाट डज दैट इंडिकेट्स, कि टीयर आया हुआ है. टीयर्स हमने ऐसे ही देखे थे, टीयर अपीयर्स ब्लैक टेंडन के अंदर, अगर हमें ब्लैक सा इस तरह का एरिया नजर आ रहा है दैट इंडिकेट्स टीयर, दैट माइट बी पार्शियल, दैट माइट बी कंप्लीट, ठीक है. इतना सा टॉपिक था, चुनू मुन्नू सा, चलो जल्दी से ऊपर चलते हैं. ठीक है, आज आपका से 12 बजे तक होगा, 12 बजे से पहले पहले, और मैंने ज्यादातर प्रैक्टिकल आपके करवाने हैं जो आज खुद पे करना है, एक दूसरे ने ना एक दूसरे पे करो, खुद इन चीजें देखो. मैं पास बैठूंगी, आपने जो चीज मुझसे पूछने कुछ मैं नहीं आज करूंगी, मुझे करते हुए बहुत टाइम हो गया, मुझे देख रहे हो, अब आप लोग खुद करो, ठीक है, ताकि आप लोगों को पता चले कि कैसे नॉर्म, क्योंकि मैंने जो असेसमेंट लेनी है आपकी 5% की, वो जो वो इसी तरह ही मैंने नॉर्म्स के बारे में ही पूछना है आपसे, ठीक है. तो चलो आप लोग ऊपर पहुंचो, मैं करके आप नहीं, 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 नहीं.